परसों जो एनसीपी ने अलायंस किया था कि ये सीट एनसीपी को गया है, ये कोई महाविकास आघाड़ी से माध्यम से ऐलान नहीं हुई है। ये पारंपरिक जगह कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक जगह है, इसमें हम लोग फॉर्म भरने ही वाले हैं। तब से यही जगह पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और हमको विश्वास है कि हमारे नेता लोग हमारे ये कांग्रेस को हमको लड़ाएंगे। ये आज कोकण की बैठक थी और भिवंडी लोकसभा जो है एक ही लोकसभा जो है कोकण के अंदर, मतलब टोटल 7 लोकसभा है उसके अंदर जो आज से जो लड़ रही है ये भिवंडी लोकसभा लड़ रही है। और ये भिवंडी लोकसभा ये कांग्रेस को ही चाहिए, इसके लिए सब पूरे कोकण के हमारे सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब माजी आमदार, माजी खासदार, सब हमारे ज्येष्ठ पदाधिकारी सब लोग इकट्ठे होके आज इधर बैठक हुई है। परसों जो एनसीपी ने अलायंस किया था कि ये सीट एनसीपी को गया है, ये कोई महाविकास आघाड़ी से माध्यम से ऐलान नहीं हुई है। ये जो जगह है ये पारंपरिक जगह कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक जगह है, इसमें हम लोग फॉर्म भरने ही वाले हैं और हमको विश्वास है कि हमारे नेता लोग कांग्रेस का हमको ये भी फॉर्म दे देंगे और हम इधर फॉर्म भरेंगे। हमारे कोकण के नेता, हमारे मित्र महेंद्र घरत, उन्होंने बताया कि पूरे कोकण से, कोकण बोले तो अपन जो इधर जो जिधर बैठक आयोजित की है, इधर लास्ट टॉप जो गोवा है उधर के सिंधुदुर्ग से लेके अपना पालघर तक सब कार्यकर्ता इधर आए हैं। और हमको कोई भी हालत से कांग्रेस हमारे ऊपर नाइंसाफी नहीं करेंगी। और जिस जगह पे स्वतंत्र देश, जब तक देश स्वतंत्र हुई है तब से यही जगह पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और हमको विश्वास है कि हमारे नेता लोग हमारे ये कांग्रेस को हमको लड़ाएंगे। और 2014 में जैसा हमारे राहुल जी का हमने बहुत बड़ी 1.5 से 2 लाख भीड़ों में हमने सभा ली थी, और अभी अगले महीने में यही जगह पे राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय का मुकाम था। और मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारा प्रदेश अध्यक्ष नाना बाबू पटोले, हमारे नेता बालासाहेब थोरात, हमारे नेता विजय वडेट्टीवार, हमारे प्रभारी रमेश जी चेन्नीतला, ये सब लोग इकट्ठा होके इस भिवंडी का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और हमको विश्वास है इस भिवंडी में कांग्रेस को भी फॉर्म देंगे, ये भी फॉर्म देंगे और इस पे कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेंगे और बड़े वोटों से चुन के आएंगे।